गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है कि हैन के केस में चिक कैसे बनता है। चिक क्या होता है? चिक होता है हैन का छोटा बच्चा, उसे बोलते हैं चिक। द हैन इज अ बर्ड, हैन एक बर्ड है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन ऑल्सो। हमने पढ़ा था कि हैन के अंदर क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि एग और स्पर्म कहाँ मिलेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट अ हैन डज नॉट गिव बर्थ टू चिक्स, लेकिन जो हैन है डायरेक्ट अपने चिक्स को डेवलप बर्थ नहीं देती, मतलब कि हैन डायरेक्ट अपने चिक्स को, यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करती। वी शैल नाउ डिस्क्राइब हाउ चिक्स आर बोर्न। अब हम पढ़ेंगे कि चिक्स बोर्न कैसे होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन साइड द बॉडी ऑफ हैन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद कहां पर, हैन की बॉडी के अंदर। द फर्टिलाइज एग डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म एम्ब्रियो विच ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। जैसे हो रहा था ह्यूमन केस के अंदर, ह्यूमन केस में क्या हो रहा था, यहां पर दोनों मिले एग और स्पर्म ओविडक्ट में, उसके बाद क्या हुआ, जाइगोट नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, ओविडक्ट में ही नीचे तरफ ट्रेवल कर रहा है, क्या बन रहा है उससे, जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि जाइगोट का सिंगल सेल बार बार डिवाइड करके बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। यही केस होता है हैन के केस में भी, यहां तक जब वो आएगा एम्ब्रियो। लेकिन ह्यूमन में क्या था कि यहां पर आके यूट्रस की वॉल से कनेक्ट होता है एम्ब्रियो, लेकिन हैन के केस में ऐसा नहीं होगा। हैन में क्या होता है, जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बन रहा होता है, उस टाइम पर एम्ब्रियो के बाहर बहुत सारी लेयर बन जाती है। यहां पर फलोपियन ट्यूब में आते आते एम्ब्रियो के बाहर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, हार्ड लेयर्स, ताकि जब वो एम्ब्रियो बाहर आए मदर बॉडी से तो वो प्रोटेक्ट रह सके। उसके लिए जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा होगा उस टाइम पर क्या होगा, हैन के केस में, हैन के केस में एम्ब्रियो के बाहर बहुत सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनेंगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ हैन द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स रिपीटेडली, यानी बार बार, टू फॉर्म एम्ब्रियो विच ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट, जो कहां पर आएगा, ओविडक्ट से नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। एज इट ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वो, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाहर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएंगी, यानी कि हार्ड कवरिंग बन जाएंगे उसके ऊपर। द हार्ड शेल, शेल बोलते कवरिंग को, द हार्ड शेल दैट वी सी इन अ हैंस एग इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। जो हम देखते हैं बाहर हार्ड से कवरिंग, वो क्या होती है, वो सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके बाद आफ्टर द हार्ड एग शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे ही हार्ड शेल बन जाएगी किसके बाहर, एम्ब्रियो के बाहर, द हैन फाइनली लेज द एग, उसके बाद क्या होगा, हैन अपने अंडे दे देगी, दैट इज द हैंस एग कम आउट ऑफ द बॉडी, इस प्रकार हैन का एग जो है हैन की बॉडी से बाहर आ जाएगा। कब, जब एम्ब्रियो के बाहर सारी लेयर बन जाएंगी अच्छे से, प्रोटेक्टिव लेयर जब बन जाएगी, हार्ड हो जाएगा पूरा एग, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हैन का एग उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। द हैन देन सिट्स ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशियंट वार्म्थ टू द एग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू द चिक्स, उसके बाद क्या होगा, हैन कुछ टाइम तक अपने अंडे के ऊपर बैठी रहेगी ताकि अंडे के अंदर जो है एक सफिशियंट एनवायरमेंट हो सके, सफिशियंट गर्मी मिल सके, ताकि हैन के अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो सके चिक के अंदर। तो उसके लिए हैन अपने अंडे के ऊपर कुछ टाइम तक बैठी रहती है ताकि हैन के अंदर जो एम्ब्रियो है उसे सफिशियंट वार्म्थ मिल सके, गर्मी मिल सके, ताकि जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो सके चिक के अंदर। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इन टू अ कम्प्लीट चिक। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हैन के केस में एम्ब्रियो से चिक बनने में कितना टाइम लगता है, लगभग 3 weeks या फिर 21 days लगती है पूरा डेवलप होने में। द डेवलपमेंट ऑफ चिक फ्रॉम एग टेक्स प्लेस इन साइड द हैंस एग ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ चिक, चिक कहां बना है, एग के अंदर, किस टाइम पर, जब ये मदर बॉडी से बाहर आ गया, यानी कि एम्ब्रियो से चिक कहां बना, मदर बॉडी से बाहर आने के बाद अंडे के अंदर ही बना है चिक। उसके बाद आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, जब चिक पूरा डेवलप हो जाएगा, द एग शेल ब्रेक्स ओपन ऑटोमेटिकली, जो एग की बाहर वाली कवरिंग है, शेल है, वो क्या होगी, अपने आप टूट जाएगी, एंड द चिक कम्स आउट ऑफ इट, और चिक उससे बाहर आ जाएगा। दिस इज हाउ अ चिक इज बोर्न, इस प्रकार क्या होता है, चिक का बर्थ होता है। अब हम पढ़ते हैं
जैसे ह्यूमन केस में क्या होता है कि ह्यूमन के केस में यूट्रस से कनेक्ट होता है कौन, एम्ब्रियो, किस लिए, मदर बॉडी से न्यूट्रिशन लेने के लिए। अब एम्ब्रियो से चिक की डेवलपमेंट हुई है और ये मदर बॉडी से बाहर आ गया एग, तो इसको न्यूट्रिशन कौन देता है, अब हम ये डिस्कस करना है। तो येलो पार्ट है योक, ये क्या करेगा, ये देगा चिक के एम्ब्रियो को, प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन ताकि एम्ब्रियो डेवलप हो सके चिक के अंदर। और जो ये लेयर है एल्ब्यूमिन की, ये क्या करता है, ये देता है प्रोटेक्शन किसको, चिक को, ताकि ये इसको कोई भी खराब ना कर सके, इसलिए कौन देगा इसको, प्रोटीन लेयर एल्ब्यूमिन। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्ट करेगा और योक देता है न्यूट्रिशन टू द चिक एम्ब्रियो। ड्यूरिंग इट डेवलपमेंट इनटू चिक द एम्ब्रियो गेट्स ऑल इट फूड फ्रॉम द एग योक, कहां से मिलेगा फूड, एग योक से, जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको। उसके बाद द एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन एग हेल्प टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम डैमेज, ये किसमें हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट करने में एम्ब्रियो को डैमेज से, ताकि एम्ब्रियो डैमेज ना हो, इससे कौन बचाएगा, एल्ब्यूमिन की लेयर। द एम्ब्रियो ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय द डिफ्यूजन ऑफ एयर थ्रू द एग शेल एंड अदर मेम्ब्रेन। अब बेबी एम्ब्रियो को फूड मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया योक से, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन जो है क्योंकि वो एक गैस होती है तो वो इजिली इन लेयर के थ्रू क्या है, डिफ्यूज इन हो सकती है, अंदर आ सकती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन मिलेगी एनवायरमेंट से। द एम्ब्रियो ऑफ ऑल द बर्ड एंड रेप्टाइल एटसेट्रा डेवलप इन द सेम वे, जो बर्ड्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, स्नेक वगैरह, लिजार्ड हैं, तो उन सब में क्या था, उन सब में डेवलपमेंट ऐसे ही होती है, एग बाहर आ जाएगा मदर बॉडी से, उसके बाद एम्ब्रियो से एक यंग वन बनता है एग के अंदर, लेकिन फीमेल बॉडी के बाहर आने के बाद। सेम वे इनसाइड देयर शेल्ड एग, यानी कि एग के बाहर एक हार्ड कवरिंग होते हैं, शेल बोलते हैं, उस एग के अंदर डेवलपमेंट होगी किसकी, एम्ब्रियो से चिक की या फिर यंग वन की, किस किस के अंदर, हैन के केस में सारे बर्ड्स और सारे रेप्टाइल्स, जो आपके स्नेक है, लिजर्ड है, क्या रेप्टाइल्स होते हैं, तो इनके अंदर क्या है, सेम टाइप से डेवलपमेंट होती है। उसके बाद इन एनिमल्स सच एज फ्रॉग, फिश, विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इस फ्रॉग फिश में क्या हो रहा था, एक्सटर्नल यानी कि एग और स्पर्म बाहर वॉटर के अंदर आने के बाद फ्यूज हो रहे थे, तो वो क्या होती है, एक्सटर्नल, मदर की बॉडी से बाहर एग और स्पर्म का मिलना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस इन द एग, डेवलपमेंट कहां पर होगी, एग के अंदर, लेकिन फीमेल बॉडी के बाहर, क्योंकि एग कहां है, एग पहले ही बाहर आ चुका है, स्पर्म के मिलने से पहले ही एग बाहर था फीमेल बॉडी से। इन सच एनिमल द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन द एग कवरिंग, इसके अंदर भी क्या होता है, इनके केस में भी एम्ब्रियो कहां डेवलप होता है, एग की कवरिंग के अंदर ही डेवलप होता है। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट टू कम्प्लीट यंग वन द एग हैच एंड अलाइव यंग वन कम्स आउट, जैसे ही एम्ब्रियो कम्प्लीट डेवलप हुआ, एक कम्प्लीट यंग वन बन गया, छोटा बेबी बन गया, उसके बाद क्या होगा, एग की बाहर की कवरिंग टूट जाएगी, उसे हम बोलते हैं एग की हैचिंग होना, और उससे क्या होगा, एक अलाइव यंग वन, एक जिंदा यंग वन बाहर आएगा। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, ऊपर डिस्कस किया ने पूरा, उससे हमें क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, कि सम एम्ब्रियो लाइक दोज ऑफ ह्यूमन, कैट, डॉग, इनमें क्या हो रहा था, ग्रो इनसाइड द मदर्स यूट्रस, इनकी ह्यूमन में, कैट में, डॉग में एम्ब्रियो कहां पर डेवलप होता है, मदर की यूट्रस के अंदर, टिल दे हैव कम्प्लीटली डेवलप इंटू बेबी एनिमल, जब तक कि पूरा एक बेबी एनिमल नहीं बन जाता, तब तक डेवलपमेंट कहां पर होगी, मदर के यूट्रस के अंदर, ठीक है, कम्प्लीट बेबी जब बनेगा उसके बाद कहां पर आएगा, वो इन्वायरमेंट में, यानी कि मदर की बॉडी से बाहर वो आएगा। लेकिन कुछ जो है बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट, इनमें क्या होता है, सम एम्ब्रियोज ग्रो इनसाइड द एग विच द मदर हैज लेड टिल दे हैव कम्प्लीटली डेवलप इंटू बेबी एनिमल, इनके अंदर क्या होगा, एग के अंदर डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो ग्रो कहां पर करेगा, एग के अंदर, जो मदर बॉडी से बाहर आ चुका है पहले ही, उसके बाद क्या होगा, एग की जो बाहर कवरिंग टूट जाती है, तो उनके अंदर क्या होगा, एग के अंदर डेवलपमेंट होगी, लेकिन मदर बॉडी से बाहर आने के बाद। कल हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस, लेकिन इससे पहले हमें पढ़ना है कि लार्वा क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, और कैटरपिलर क्या है, तो डिफरेंट आवर डिस्कस करना, टैडपोल क्या होता है, पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो आज के लिए यहीं तक, केस ऑफ हैन के डेवलपमेंट हमने पढ़ लिए पूरी, कि चिक कैसे कैसे डेवलप हुआ, सारे स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए।